हाई एवरी वन, माई नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास फोर्थ का साइंस का चैप्टर नंबर 4, एडेप्टेशन इन एनिमल्स। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज़ टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस बेस्ड ऑन देयर हीटिंग हैबिट्स। तो जो हमारे जानवर होते हैं सारे, हम उन्हें हर्बीवोरस यानी कि जो केवल प्लांट वगैरह खाते हैं, कार्निवोरस यानी कि जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, और ओमनीवोरस यानी कि जो प्लांट भी खाते हैं जो दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हैं। उनके खाने के हैबिट के अनुसार हम इन तीन ग्रुप्स में एनिमल्स को बांट सकते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट आर अ पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। जो पंछी होते हैं, जो इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े होते हैं, वो इस पूरे एनिमल किंगडम का पार्ट होते हैं, राइट। आगे चलते हैं। बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल्स। नीचे कुछ एनिमल्स आपको बता रखे हैं और क्लासीफाई आपको करना है कि वो हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं या ओमनीवोरस हैं, ठीक है। जो बच्चे ने भर रखा है वो आई थिंक बहुत ही गड़बड़ भर रखा है, जिसकी भी ये बुक है। आप आगे आओ, चलो व्हाट्स नेक्स्ट देखते हैं क्या भाई। एडेप्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है। जानवर किस तरह से अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं किसी भी सराउंडिंग में रहने के लिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ज़मीन में रहने वाले एनिमल, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक्वेटिक एनिमल, पानी में रहने वाले एनिमल। एम्फीबियंस, एरियल एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स, मतलब बेसिकली तुम्हें यहाँ चैप्टर के पॉइंट्स बता रखे कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। एडेप्टेशन फॉर फूड, खाने के लिए कैसे अडेप्ट कर लेते हैं। एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, कैसे वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ ना आपको लेट्स बिगिन में दे रखा है राघव। राघव कहता है, रहीम यू नोट, क्या तुम्हें पता है दैट देर आर लॉट्स ऑफ एनिमल्स। बहुत सारे जो जानवर हैं वो पाए जाते हैं, फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। भाई अर्थ पर अलग अलग जगह बहुत सारे जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं। फ्रॉम द डीपेस्ट ओशन टू द हाइस्ट माउंटेन, यानी कि गहरे से गहरे समुद्र के अंदर भी जानवर हैं और ऊँचे से ऊँचे माउंटेन में भी जो हैं वो जानवर रहते हैं। ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज एनिमल्स अडेप्ट अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। और हर एक जो जानवर है वो अपने जो भी उनका एरिया है, उनका हैबिटेट है, उनका जो घर है बेसिकली जहाँ वो रहते हैं, उसके हिसाब से वो अपने आप को आदि बना लेते हैं। हैबिटेट कैसे होता है, जैसे कि भाई जैसे ऊँट है, उसका हैबिटेट क्या है भाई कि वो रेगिस्तान में रहता है, तो उसका हैबिटेट हो गया यानी कि वो उसकी उस जगह पे वो रहता है, तो उसके हिसाब से उसकी बॉडी हो जाती है। एंड दीज एनिमल्स अडेप्ट अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। रहीम कहता है येस दैट्स ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है। माई टीचर हैज़ टॉट अस सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स, मेरे अध्यापक ने भी मुझे पढ़ाए थे कुछ एग्जाम्पल एनिमल्स के दैट अडेप्ट देमसेल्व्स टू द एनवायरमेंट, जिस नॉने उन जानवरों ने अपने आप को जो है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही ढाल लिया था। राघव कहता है कैन यू टेल मी विच आर दोज एनिमल्स, वो कौन से एनिमल्स हैं। रहीम कहते हैं येस ऑफकोर्स दे आर कैमल, पेंगुइन, पोलर बियर्स एटसेट्रा। तो कौन कौन से जानवर है, कुछ एग्जाम्पल उन्होंने बता दिए भाई, पेंगुइन हैं, पोलर बियर्स हैं, ठीक है, एटसेट्रा। राघव कहता है लेट अस लर्न मोर अबाउट द अडेप्टेशन शोन बाय अदर एनिमल्स इन दिस चैप्टर। तो चलो लर्न करते हैं अडेप्टेशन के बारे में और भी बातें जो इस चैप्टर में पढ़ाई गई हैं। अडेप्टेशन इन एनिमल्स, जानवर अपने आप को किस तरह से आदि बनाते हैं। एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू देयर हैबिटेट बाई डेवलपिंग स्पेशल फीचर्स। एनिमल्स अपने आप को आदि बना लेते हैं अपने हैबिटेट में रहने के लिए, कैसे बना लेते हैं भाई, डेवलप करके स्पेशल फीचर्स, है ना, अपनी बॉडी पे अलग तरीके से फीचर्स उनके डेवलप हो जाते हैं इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द कंडीशन, भाई अपनी कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। अब ऊँट है, ठीक है, उसकी बॉडी ही इस तरीके की अब बन चुकी है, उसने इस तरीके से डेवलप कर लिया है कि वो इतनी गर्मी में रह सकता है। पोलर बियर है, वो माउंटेन पे ठंडी जगह पे रहता है, बिल्कुल फ्रीज जोन में रहता है जहाँ बर्फ ही बर्फ होती है, उसने अपनी बॉडी उसी तरीके से अडेप्ट कर लिया, उसकी बॉडी में इतने फीचर्स आ गए हैं अब, ठीक है। तो वही चीज़ आपको समझाई जा रही है, दे डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स विच हेल्प देम टू लिव इन देयर सराउंडिंग्स। वो डेवलप कर लेते हैं अपनी बॉडी में स्पेशल फीचर्स को जो उन्हें मदद करते हैं रहने के लिए उनकी सराउंडिंग में। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स, हम अलग अलग ग्रुप में एनिमल्स को बांट सकते हैं बाई टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वाटिक, ठीक है, एम्फीबियंस, एरियल, आर्बोरियल, एक एक करके इन्हें भी पढ़ लेते हैं। What does the word adaptation means? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है adaptation का क्या मतलब होता है। हॉट्स में दे रखा है What would be the consequence if an animal is unable to adapt to its surrounding? Can you give some examples? हाँ भाई obviously बात है, अगर वो surviving स्थिति में अपने आप को कहना चाहिए ढाल नहीं पाएगा तो मर जाएगा, फिर वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा अगर उसने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया तो। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जो जानवर लैंड पे रहते हैं, भूमि पे रहते हैं, धरती पे
है ना, धरती पे भी जो भूमि वाली जगह है, बेसिकली लैंड है, वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे टाइगर है, लायन है, काउ है, फ्यू एग्जांपल्स हैं ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के। द बॉडी ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल प्रोसेस द फॉलोइंग फीचर्स, उनकी बॉडी में फॉलोइंग फीचर्स होते हैं विच एनेबल देम टू लिव ऑन लैंड, जो उन्हें लैंड पे रहने के काबिल बनाते हैं। जैसे जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, लेग्स होते हैं टू मूव अराउंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जगह जगह जाने के लिए उनके पास पैर होते हैं। वेल डेवलप्ड उनके सेंस होते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, उनके सेंस ऑर्गन्स इतने तेज़ होते हैं, सूंघने की क्षमता, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, जिससे वो अपनी रक्षा कर पाते हैं अपने एनिमीज से, है ना, शत्रुओं से। लंग्स होते हैं उनके पास ब्रीथ करने के लिए एयर। वेल डेवलप्ड क्लॉज होते हैं, पंजे होते हैं, और उनके टीथ बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं टू टियर देयर फूड, उनका खाना फाड़ने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज फीचर्स, इन फीचर्स के अलावा लैंड एनिमल्स शो करते हैं अडेप्टेशंस बेस्ड ऑन द रीजन दे लिव इन। इनके अलावा उनके बॉडी में भी ऐसे फीचर्स होते हैं लैंड एनिमल्स के, उनके अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, मतलब जो बेस होता है, जो भी रीजन होता है उसमें जिसमें वो रह रहे थे, बॉडी भी उनकी वैसी ही बनी होती है। एनिमल ऑफ कोल्ड रीजन्स, देखो ठंडे जगह पर रहने वाले एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स हैं, याक हैं, इनकी बॉडी पर मोटा सा फर बना होता है जिसने कवर कर रखा होता है इनकी बॉडी को। द फर प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, अभी इस फर की वजह से ये बहुत ज़्यादा ठंड इस जगह में ठंड से बचे रहते हैं भाई। पोलर बियर्स एंड पैंगुइन्स स्टोर करते हैं फूड को एज थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। अब इनकी स्किन में क्या होता है, बहुत सारा फैट जमा हो जाता है, ठीक है, और वो फैट इन्हें ठंड से बचाता है। जब सर्दियाँ होती है तो हम भी बहुत कैसा खाना खाते हैं, तला भुना, तेल वाला, क्यों, क्योंकि उस समय वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है, जब ये जो फैट होता है ना गर्म होता है बेसिकली, तो इन लोगों की बॉडी में फैट जमा करके रखते हैं जिससे क्या होता है, इन्हें गर्मी भी मिलती है, उनको फूड भी स्टोर हो जाता है एक तरीके से। जब इन्हें खाना नहीं मिलता तो वो फैट ही इनको एनर्जी देता है। दिस लेयर ऑफ फैट इज कॉल्ड ब्लबर, इस लेयर को फैट की हम ब्लबर बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ब्लबर। ब्लबर प्रोटेक्ट्स दीज एनिमल्स फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, अब ब्लबर जो होता है बहुत ज़्यादा ठंड से इन जानवरों को बचाता है बाई कीपिंग द बॉडी वार्म, है ना, इनकी बॉडी से गर्म रहती है ब्लबर से। ब्लबर इज ऑल्सो यूज बाई द एनिमल्स टू गेट एनर्जी, ब्लबर यूज़ किया जाता है एनिमल्स के द्वारा एनर्जी प्राप्त करने के लिए भी। एंड फूड इज़ डिफिकल्ट टू फाइंड, उस समय जब फूड बहुत मुश्किल होता है ढूंढना। एनिमल्स ऑफ डेजर्ट रीजन, एनिमल्स जो कि रेगिस्तान वगैरह में रहते हैं, डेजर्ट रीजन्स आर वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, अब जो रेगिस्तान वाली जगहें होती हैं बड़ी गर्म होती हैं दिन के समय, एंड वेरी कोल्ड होती हैं एट नाइट, और रात को बहुत ठंडी होती हैं। विद स्कैंटी रेनफॉल, मतलब वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है बिकॉज, है ना, एज वाटर इज कैर इन द डेजर्ट। अब देखो बारिश बहुत कम होती है ना, तो क्या होता है डेजर्ट में पानी की बहुत कमी हो जाती है। एनिमल्स विच लिव इन दिस रीजन, जो एनिमल इस जगह पे रहते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं अपने आप को बाय स्टोरिंग फूड एंड वाटर इन देयर बॉडीज, ये बॉडी में ही अपने खाना, जो खाना नहीं, पानी जो है एक तरीके से फूड एंड वाटर, राइट, दोनों ही चीज़ों को स्टोर कर पाते हैं। अब नहीं भी मिला तो भी क्या होता है, ये काफ़ी काम चला लेते हैं, काफ़ी दिन तक नहीं मिल रहा है तो भी इनका काम चलता रहता है। द स्किन ऑफ डेजर्ट एनिमल्स लाइक कैमल इज थिक, जो स्किन होती है डेजर्ट एनिमल की जैसे कि ऊँट की स्किन, वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, विच प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम सीवियर हीट एंड कोल्ड, जो उसको मदद करती है, सुरक्षा करती है उसकी बहुत ज़्यादा गर्मी से, बहुत ज़्यादा ठंड से। थिक एंड पैडेड फीट होते हैं, मोटे से और गद्देदार, पैडेड मीन्स गद्देदार उसके पैर होते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं कैमल को फ्रॉम द हॉट सैंड से, बहुत गर्म रेत से ऑफ डेजर्ट, है ना, जो रेगिस्तान की रेत होती है उससे बचाते हैं। एंड प्रिवेंट इट्स फीट, उसके पैरों को बचाते हैं फ्रॉम सिंकिंग इनटू इट, उस पैर में, मतलब रेत में घुसने से पैरों को बचाते हैं। दे आर एबल टू सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज, ये जो जानवर होते हैं अपने आप को बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं बिना पानी के, है ना, बिना फूड के। एट अ स्ट्रेच मीन्स लगातार, बिकॉज दे स्टोर फूड एज फैट इन देयर हम्प, जो ऊँट होता है उसका कूबड़ निकला होता है ऊपर, मोटा सा हम्प होता है उसकी बॉडी में, ठीक है, वो हम्प में क्या होता है, उसका फूड स्टोर होता है, वाटर स्टोर होता है। दिस स्टोर्ड फैट प्रोवाइड्स द केमिकल विद एनर्जी, और ये एक तरीके से ये स्टोर्ड जो फैट होता है यही कैमल को क्या है भाई, बहुत एनर्जी प्रदान करता है। व्हेन फूड एंड वाटर आर नॉट अवेलेबल इन द डेजर्ट, जब खाना और पानी डेजर्ट में अवेलेबल नहीं होता। अदर डेजर्ट एनिमल्स सच एज डेजर्ट फॉक्स हो गए डू नॉट कम आउट ऑफ देयर शेल्टर, ये तो अपने घरों से बाहर ही नहीं आते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के टाइम, एज इट इज़ वेरी हॉट, क्योंकि दिन के टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। द स्लीप ड्यूरिंग द डे, वो दिन में सोते हैं, एंड कम आउट एट नाइट, रात को बाहर आते हैं। व्हेन द टेम्परेचर कूल्स डाउन, जब टेम्परेचर जो है थोड़ा ठंडा हो जाता है तब रात को बाहर आते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स, जो है जानवर
पानी में रहते हैं वो एक्वाटिक एनिमल्स कहलाते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फिश, सी स्नेक, व्हेल्स, स्नेल्स, डॉल्फिन डिस्प्ले करते हैं फॉलोइंग एडेप्टेशंस को। स्ट्रीमलाइन बॉडी किस तरह से होती है, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये जो घुमाव आता है इस तरह की स्ट्रीमलाइन इनकी बॉडी होती है। ठीक है, फिश की बॉडी देखो इसी तरह से होती है। सो बॉडी ऑफ मोस्ट एक्वाटिक एनिमल इज स्ट्रीमलाइंड, ब्रॉड होती है, काफ़ी चौड़ी होती है इन द मिडल मीचवे से, एंड टेपर्ड मतलब थोड़ी पतली सी हो जाती है एट द एंड। देखो ये इस तरह से हो गई ना, अब यहाँ पर देखो ये थोड़ी सी ऐसे हो गई, टेपर्ड हो गई थोड़ी सी, और यहाँ से ऐसे कैसे ब्रॉड हो गई, यहाँ पर कैसे तिरछी सी हो रही है। अ स्ट्रीमलाइन बॉडी इनेबल्स एक्वाटिक एनिमल्स टू स्विम क्विकली एंड ईजी टू ईजिली इन वाटर। जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तेजी से क्विकली स्विम कर पाते हैं। ठीक है, और आराम से पानी के अंदर मतलब बेसिकली वो सर्वाइव भी कर लेते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से, और स्विम कर पाते हैं क्विकली एंड ईजीली आसानी से। ऑर्गन्स टू हेल्प देम स्विम, अब कौन से ऑर्गन्स हैं जो इन्हें स्विम करने में मदद करते हैं भाई। एक्वाटिक एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं उनकी बॉडी में विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, जो उनकी मदद करते हैं पानी में तैरने में। फिशेज हैव फिन्स, जो मछली होती है उनके पास फिन्स होते हैं, और वेयर एज सील्स एंड व्हेल्स हैव फ्लिपर्स, सील्स एंड व्हेल्स के फ्लिपर्स होते हैं। डक्स हैव वेब्ड फीट, डक के वेब्ड फीट होते हैं। बिल्कुल यहाँ से सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, विच हेल्प देम टू पैडल इन वाटर, जो उनको पानी में मतलब पैडल करने के काम आते हैं बेसिकली। ऑर्गन्स टू हेल्प देम ब्रीथ इन वाटर, कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो सांस लेने में मदद करते हैं। मोस्ट एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फिश हैव स्पेशल ऑर्गन जिसे हम गिल्स बोलते हैं, जो कि मदद करती हैं देम टू एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन वाटर। जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है गिल्स की मदद से उसे वो अपनी बॉडी के अंदर ले पाते हैं, अंदर सांस ले पाते हैं बेसिकली। ठीक है, सम एक्वाटिक एनिमल्स लाइक व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स हाउ एवर डू नॉट हैव गिल्स, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स के गिल्स नहीं होते, दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आता है, पूछा जाता है व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स किस चीज़ से मतलब सांस लेते हैं, लंग्स से। दीज एनिमल्स कैन नॉट एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन वाटर, ये एब्जॉर्ब नहीं कर पाते ऑक्सीजन को जो पानी में घुली हुई होती है। दे कम अप टू द सर्फेस ऑफ द वाटर, ये पानी के ऊपर सर्फेस पे आते हैं पीरियोडिकली मतलब कभी कभार ये आते हैं, टू ब्रीथ इन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, सांस लेने के लिए जो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में, बीच बीच में आते हैं। एम्फीबियंस की बात करो तो एनिमल्स विच कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन हो गए, जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। फ्रॉग्स, टोड्स, सैलामेंडर्स, ये सब एम्फीबियंस एग्जाम्पल आपको लिखने के लिए आ जाते हैं। दे कैन ब्रीथ अंडर वाटर एज वेल एज लैंड, ये पानी में भी और लैंड में भी दोनों जगह सांस ले सकते हैं। एम्फीबियंस शो करते हैं फॉलोइंग एडेप्टेशंस को। दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, ये लंग्स की मदद से सांस लेते हैं व्हेन दे आर ऑन लैंड, जब लैंड पे होंगे तो लंग्स की मदद से सांस लेंगे, एंड थ्रू देयर स्किन, अपनी स्किन की वजह से भी सांस लेते हैं व्हेन दे आर इन वाटर, जब पानी में होंगे तो स्किन से सांस लेंगे और जब लैंड पे होंगे तो अपने लंग्स से सांस लेंगे। देयर लेग्स हेल्प देम टू जंप ऑन लैंड, इनके जो पैर होते हैं मदद करते हैं जंप करने के लिए इन्हें लैंड पे एंड स्विम करने के लिए इन्हें वाटर में। फॉर एग्जाम्पल द वेब्ड फीट ऑफ अ फ्रॉग हेल्प इट टू स्विम इन वाटर, जो वेब्ड फीट होते हैं वो मदद करते हैं फ्रॉग को स्विम करने के लिए पानी के अंदर, एंड हॉप ऑन लैंड, लैंड पे वो हॉपिंग करता है, ऐसे उछलता है एक तरीके से। सैलामेंडर्स हैव द कैपेसिटी टू रीजेनरेट देयर एक्सटर्नल ऑर्गन, सैलामेंडर के अंदर क्या होता है भाई, कैपेसिटी होती है कि वो दोबारा से जनरेट कर पाती है अपने एक्सटर्नल ऑर्गन्स को, दोबारा बना पाती है बेसिकली। ठीक है, बाहर वाले ऑर्गन्स को थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी ज़िंदगी बार बार बना सकती है वो। आर्बोरियल एनिमल्स की बात करें तो एरियल एनिमल्स, हवा वाले एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स दैट फ्लाई इन द एयर, ऐसे एनिमल्स जो कि हवा में उड़ते हैं एरियल एनिमल्स कहलाते हैं। बर्ड्स एंड बैट्स, बर्ड्स चिड़ियाएँ जो होती हैं और बैट्स चमगादड़ जो होते हैं वो एरियल एनिमल्स होते हैं। एरियल एनिमल्स शो द फॉलोइंग एडेप्टेशन, एरियल एनिमल्स कुछ फॉलोइंग एडेप्टेशन को शो करते हैं। विंग्स होते हैं उनके, द फोर लिम्स यानी कि आगे के जो हाथ होते हैं ऑफ दीज एनिमल्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, वो क्या बने हुए होते हैं, पंख बने हुए होते हैं, विच इनेबल देम टू फ्लाई, जिसकी वजह से ये लोग उड़ पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जैसे मछली की होती है ना ऐसे ही इनकी भी होती है, इस तरह से बीच में से मोटी, साइड से टेपर। पंछी भी तो कुछ इस तरह का होता है, पंछी देखो इस तरह का बन गया है ना, तो ये पंछी भी इसी तरीके का होता है। तो बॉडी आर स्ट्रीमलाइन विच हेल्प देम टू कट थ्रू एयर इजीली वाइल फ्लाइंग, माने हवा को काटते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, फ्लाई करते चले जाते हैं। लाइट बॉडी होती है मतलब बॉडी बहुत हल्की होती है। द बोन्स ऑफ दीज एनिमल्स आर हॉलो, जिनकी बोन्स होती हैं वो खाली होती हैं, हॉलो होती हैं। एंड देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ फैदर्स, जिनके बॉडी होते हैं वो पंख से कवर होते हैं बेसिकली। दिस मेक्स देयर बॉडी लाइट, और क्योंकि इनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो हैं है ना, तो इनकी बॉडी कैसी होती है भाई, लाइट होती है। एंड हेल्प देम टू फ्लाई इजीली, और इन्हें मदद करती है आराम से इजीली फ्लाई करने में। आर्बोरियल एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स दैट विच लिव ऑन लैंड,
ऐसे जानवर जो कि लैंड पर रहते हैं, लिव ऑन लैंड बट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज, जो पेड़ों पर रहते हैं ज़्यादातर समय, वो आर्बोरियल एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे मंकी है वो पेड़ों पर ज़्यादा रहेगा, स्क्वायरल्स हैं पेड़ों पर रहेंगी, है ना, एंड ट्री स्नेक्स, ऐसे सांप जो कि पेड़ों पर रहते हैं, ये सब आर्बोरियल एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं। द फॉलोइंग एडेप्टेशन आर कॉमनली सीन इन आर्बोरियल एनिमल्स, कुछ एडेप्टेशन है जो कॉमनली हम देखे जा सकते हैं आर्बोरियल एनिमल्स में। स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स, बहुत मजबूत इनके हाथ और पैर होते हैं। दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स, एंड एनिमल्स के बहुत स्ट्रॉन्ग आर्म्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, विच हेल्प देम टू क्लाइम ट्रीज, जो उनकी मदद करते हैं ट्रीज पर चढ़ने के लिए। क्लॉज यानी कि पंजे, मैनी आर्बोरियल एनिमल्स सच एज स्क्वायरल्स, लिजर्ड्स यूज़ करती हैं अपने पंजों को टू क्लाइम ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ने के लिए, और टू हैंग इन टू द ब्रांचेस, लटकने के लिए ब्रांचेस पे। क्लॉज प्रोवाइड दम विद गुड ग्रिप, जो पंजे होते हैं वो बहुत अच्छी ग्रिप प्रदान करते हैं उन्हें, एंड प्रिवेंट दैम फ्रॉम फॉलिंग ऑफ, और गिरने से उन्हें बचाते हैं। स्ट्रॉन्ग टेल, बहुत स्ट्रॉन्ग इनकी टेल होती है, जो इनकी पूंछ होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। सम आर्बोरियल एनिमल्स लाइक मंकी यूज़ करते हैं अपनी टेल्स को टू ग्रिप बैलेंस, है ना, बैलेंस बनाने के लिए, एंड स्विंग करने के लिए, झूलने के लिए फ्रॉम ट्री टू ट्री। अब इतनी मजबूत इनकी टेल होती है कि उससे ये झूल पाते हैं, अदरवाइज झूल नहीं पाएंगे। ठीक है, अडेप्टेशन फॉर फूड, अब फूड के लिए अडेप्टेशन कैसे होता है भाई। एनिमल्स शो करते हैं वेरियस अडेप्टेशंस, अलग अलग प्रकार के अडेप्टेशंस अकॉर्डिंग टू द फूड दे नीड, है ना, उस फूड के अनुसार जो कि वो खाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन ऑन देयर फूड हैबिट, एनिमल को हमने क्लासीफाई किया भाई तीन जो कैटेगरी हैं अलग अलग, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। इन एडिशन, इनके अलावा टू हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, सम एनिमल्स आर क्लासिफाइड इन द फोर्थ ग्रुप, जिसे हम पैरासाइट्स बोलते हैं। हार्बीवोर्स एनिमल्स क्या, कौन से होते हैं भाई, जो ईट करते हैं ओनली प्लांट्स को, जैसे जिराफ है, काउ है, हॉर्स है, रैबिट्स हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं हार्बीवोर्स एनिमल्स के। ठीक है, दीज एनिमल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ, आगे के दांत बिल्कुल शार्प होते हैं, टू कट प्लांट्स, प्लांट को काट लेते हैं जिससे ये, एंड स्ट्रॉन्ग फ्लैट बैक टीथ होते हैं जो च्यू करते हैं एंड ग्राइंड करते हैं फूड को। जिराफ है वेरी लॉन्ग नेक, जिराफ की जो होती है नाक बहुत लंबी होती है, नाक नहीं मैं नेक, ठीक है, गर्दन बहुत लंबी होती है। दैट इनेबल्स डैम टू च्यू द लीव्स ऑन द अपर ब्रांचेस ऑफ द ट्री, भाई पेड़ बहुत ऊंचा हो कितना भी, ऐसे करके मान लो बहुत ऊंचा पेड़ है तो भी जिराफ अपना मुँह ऊंचा करेगा और खा लेगा आराम से लीव्स को। सम हर्बीवोरस एनिमल्स लाइक काउ एंड जिराफ हैव फोर कंपार्टमेंट्स इन देयर स्टमक, चार कंपार्टमेंट होते हैं कुछ हर्बीवोरस एनिमल्स की बॉडी के अंदर। कंपार्टमेंट मीन्स जैसे तुम्हारे घर के चार कमरे, ऐसे इनके स्टमक में चार कंपार्टमेंट, जो मदद करते हैं डाइजेस्ट करने के लिए प्लांट्स को, है ना, ये लोग प्लांट्स खाते हैं तो प्लांट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। दीज एनिमल्स स्टोर प्लेंटी पार्शली च्यूड फूड इन द स्टमक, यानी थोड़ा चबाएंगे और उसको स्टोर कर लेंगे अपने स्टमक के अंदर खाने को ये लोग। दीज अनच्यूड फूड इज ब्रॉट बैक इन टू द माउथ आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या करेंगे, इस फूड को ये वापस ले आएंगे अपने मुँह के अंदर, फिर चबाएंगे। दिस फूड इज च्यूड अगेन, ये दोबारा से चबाता है इस खाने को, एंड इज सेंट बैक टू द स्टमक टू द डाइजेस्टेड टू बी डाइजेस्टेड, और फिर वापस से क्या करते हैं, द फूड इज च्यूड अगेन, दोबारा चबाएंगे और दोबारा भेज देंगे उसको स्टमक के अंदर डाइजेस्ट करने के लिए, एंड दैट इज च्यूइंग द कट, इसको हम च्यूइंग द कट बोलते हैं प्रोसेस को। कार्निवोर्स की बात करो तो कार्निवोर्स एनिमल्स ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, कार्निवोर्स एनिमल्स जो हैं दूसरे जानवर का मांस खाते हैं, टाइगर्स, लेपर्ड्स, लायंस, ये कुछ एग्जांपल हैं कार्निवोर्स एनिमल्स के। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्ट, इनके बहुत मजबूत पैर होते हैं जिससे बहुत तेजी से भाग पाते हैं, टू कैच देयर प्रे, है ना, अपने शिकार को पकड़ने के लिए। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग शार्प पॉइंटेड टीथ, इनके जो दांत होते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, बिल्कुल पॉइंटेड होते हैं, एंड क्लॉज इनके बड़े मजबूत होते हैं, है ना, टू कैच एंड टीयर, पकड़ने के लिए और फाड़ने के लिए द फ्लैश, फ्लैश मीन्स मांस। स्नेक्स हैव स्केल्स, स्नेक्स के पास क्या होते हैं बॉडी के अंदर, स्नेल्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, विच हेल्प देम टू मूव फास्ट, जिसकी वजह से, स्केल्स की वजह से स्नेक क्या कर पाता है भाई, बहुत तेजी से भाग पाता है, मूव फास्ट कर पाता है एंड कैच कर पाता है अपना शिकार। स्नेक्स डू नॉट हैव टीथ, याद रखिएगा स्नेक के पास दांत नहीं होते, दे स्वेलो द होल प्रे, ये पूरा पूरा शिकार को स्वेलो कर लेते हैं, एंड लेटर क्रश देम, और बाद में उसको थोड़ा धीरे धीरे क्रश करते हैं। कार्निवोर्स बर्ड लाइक ईगल है, हॉक्स है, यूज़ करते हैं अपनी शार्प क्लॉज को एंड बीक्स को टू कैच देयर प्रे, अपने शिकार पकड़ने के लिए, एंड टीयर करने के लिए उनका मांस। एनिमल्स विच फीड ऑन डेड एनिमल्स, उनको हम स्केवेंजर्स कहते हैं, कुछ जानवरों का, मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, उनको हम स्केवेंजर्स बोलते हैं। ओमनिवोर्स की बात करो तो ओमनिवोर्स एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, दोनों खाते हैं। दीज एनिमल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ, बहुत ही शार्प होते हैं आगे के दांत इनके, बाइट करने के लिए और टीयर करने के लिए पीसेज ऑफ मीट को, जो भी मीट इन्हें मिला है खाने के लिए, एंड फ्लैट बैक, पीछे के दांत बिल्कुल फ्लैट होते हैं, टू च्यू प्लांट्स और मीट, प्लांट और मीट चबाने के लिए, बियर्स, काउ, क्रोज, ह्यूमन बींग्स, ये सब एग्जाम्पल हैं ओमनिवोर्स के। पैरासाइट की बात करो तो एनिमल्स विच लिव इधर ऑन इन
इधर ऑन और इन साइड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवर जो कि किसी के ऊपर बॉडी के या बॉडी के अंदर रहते हैं, वो पैरासाइट कहलाते हैं, मतलब दूसरों के खून वून पे जो कहना चाहिए जिंदा रहते हैं। जैसे मॉस्किटो हो गया हमारा, मच्छर आपको काटता है आपके खून से जिंदा रहता है, फ्लीस है, लीचेस है, टेप वॉर्म है, राउंड वॉर्म है, ये कुछ एग्जांपल हैं पैरासाइट्स के। पैरासाइट्स सच एज मॉस्किटो एंड फ्लीस हैव सकिंग ट्यूब्स, है ना, खून चूसने वाली ट्यूब होती है इनके पास इन देयर माउथ टू सक द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। और ये क्या करते हैं, दूसरे जानवरों का जो खून होता है उसे चूस पाते हैं। राउंड वॉर्म्स एंड टेप वॉर्म्स लिव इन साइड द बॉडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स। जो राउंड वॉर्म्स होते हैं, टेप वॉर्म्स होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, इंसान के शरीर के अंदर, पेट में कीड़े होते हैं ना जैसे वैसे। पैरासाइट्स गेट द फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल्स इन विच दे लिव। पैरासाइट जो है अपना खाना प्राप्त करते हैं, फूड प्राप्त करते हैं बॉडी से उस एनिमल के जहाँ जिसमें वो रहते हैं, है ना, जिस पर वो रहते हैं। एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है इन जानवरों को। तो एनिमल्स शो द फॉलोइंग एडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, कुछ एडेप्टेशन जो है किस तरीके से होता है इनका कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। फास्ट मूविंग, बहुत तेज़ भागते हैं एनिमल्स लाइक डियर है, ज़ेब्रा है, ये कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, बहुत तेज़ भागते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, पैर बहुत मजबूत होते हैं जो कि इन्हें हेल्प करते हैं टू रन क्विकली व्हेन चेज्ड बाय देयर एनिमीज। जैसे ही इनका कोई शत्रु भाग के आ रहा है इनके पास ही, बहुत तेज़ भागते हैं बिकॉज इनके पैर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। कलर ऑफ द स्किन, आप जो क्रेसिफ हो रहे जैसे है ना, तो कुछ भी कलर बना लेता है अपने आप का, तो इसकी वजह से क्या होता है पता ही नहीं चलता ग्रासोफर यहाँ बैठा है या नहीं बैठा है। द स्किन कलर ऑफ है सम एनिमल मैचेस देयर सराउंडिंग, कुछ ऐसे स्किन कलर होते हैं एनिमल्स के जो अपनी सराउंडिंग से वो बिल्कुल मैच कर देते हैं। इट हेल्प्स देम टू ब्लेंड, ये चीज़ इन्हें बहुत मदद करती है सराउंडिंग में बिल्कुल ब्लेंड होने में, इन ऑर्डर टू हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज, है ना, कि वो अपने एनिमीज से बच पाएँ। दिस इज़ नोन एज कैमफ्लेज, क्या बोलते हैं इसको, कैमफ्लेज, इसको कैमफ्लेज बोलते हैं। कैमफ्लेज एनिमल कैन नॉट बी सीन ईजिली बाय इट्स एनिमीज, है ना, शिकारी इसको देख ही नहीं पाता क्योंकि कलर समझ ही नहीं आ रहा होता उसको कि यहाँ कोई बैठा भी है। द पोलर बियर एंड आर्कटिक फॉक्स हैव वाइट फर, जो पोलर बियर होता है, जो आर्कटिक फॉक्स होती है, उसके सफ़ेद रंग के फर होते हैं एंड दस कैन नॉट बी सीन ईजिली अगेंस्ट द स्नो, है ना, बर्फ में दिखाई नहीं देता पोलर बियर। इस चक्कर में ग्रासोफर ब्लेंड कर लेता है विद ग्रीन कलर ऑफ लीव्स, हरी हरी पत्तियों में ही वो अपने आप को ब्लेंड कर लेता है बिल्कुल। सम एनिमल्स कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ देयर स्किन टू मैच देयर सराउंडिंग, कुछ जानवर ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी बॉडी के कलर को ही ऐसा मैच करा देते हैं सराउंडिंग से। कैमेलियन, कैमेलियन इज़ अ टाइप ऑफ लेजर्ड विच कैन कैमोफ्लेज इट्सेल्फ वेरी इजीली बाय चेंजिंग इट्स कलर, कैमोफ्लेज करके अपने आप को पता ही नहीं चलता कि ये यहाँ बैठा हुआ है। ग्रासोफर जो है वो नहीं चेंज कर पाता, ग्रासोफर का तो कह रहे कलर ही ऐसा होता है, ये कर पाता है कैमेलियन कर लेता है राइट चेंज। स्पाइन एंड शेल्स, द बॉडी ऑफ सम एनिमल्स लाइक प्रोक्यूपाइंस हो गए, हेडीहॉग्स हो गए, आर कवर्ड विद स्पाइंस, कांटे होते हैं इनके शरीर पर। दीज स्पाइंस मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एनिमी टू अटैक दीज एनिमल्स, ये कांटों की वजह से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई एनिमी इन पर अटैक करे ना, कांटे छुप जाएंगे उसके, खाएगा भी तो मुँह में छुप जाएंगे। एनिमल लाइक टर्टिल है, टॉइज है, स्नेल्स हैव हार्ड शेल्स, बहुत हार्ड शेल्स होते हैं इनकी बॉडी पर। द हार्ड शेल प्रोटेक्ट द सॉफ्ट बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स, ये हार्ड शेल बहुत प्रोटेक्ट करते हैं इन एनिमल्स को राइट, इनकी बॉडी को, सॉफ्ट बॉडी को। रिलीजिंग स्मेल एंड पॉइजंस, पॉइजंस मतलब एक तरीके से ऐसी स्मेल निकालना और अपने शरीर से जहर निकालना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। एनिमल्स लाइक द संक रिलीज अ वेरी फॉल स्मेल, बहुत गंदी स्मेल निकालते हैं टू एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज, के एनिमी सूंघ के ही चला जाए दूर। सम फ्रॉग्स, स्नेक्स, बर्ग्स एंड बीटल्स प्रोड्यूस करते हैं पॉइजनियस लिक्विड्स को विच रिपेल देयर अटैकर्स, जो अटैकर्स को दूर भगाता है। हॉर्न्स की बात करो तो एनिमल्स लाइक काउस, एंटीलोप एंड बफलोज यूज़ करते हैं अपने हॉर्न्स को, अपने सींगों को टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, एनिमीज से बचाने के लिए। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, सब एनिमल्स एंड बर्ड्स फ्लाई करते हैं टू वार्मर रीजंस ड्यूरिंग विंटर मंथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, है ना, बहुत ज़्यादा ठंड से अपने आप को बचाने के लिए एंड टू सर्च फॉर फूड, अपने खाने की सर्च के लिए। दे रन होम आफ्टर विंटर, वो घर बजाते हैं विंटर में, है ना, विंटर के बाद वापस घर चले जाते हैं, लेकिन जब विंटर होती है तो ये माइग्रेट करके दूसरी जगह आ जाते हैं। दिस पीरियडिक मूवमेंट ऑफ एनिमल्स लाइक आना जाना, है ना, ये माइग्रेशन कहलाता है। एलिफेंट्स, रेनडियर्स, स्वैम्स एंड गीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स विच माइग्रेट। हाइबरनेशन क्या कहलाता है भाई, हाइबरनेशन, लास्ट पेज पे हैं हम, ठीक है, सो ऑल सेट, सबको सब समझ में आ रहा है, वी आर ऑन लास्ट पेज। सो हाइबरनेशन की बात होती है तो ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स इन सम प्लेसेस, विंटर के कुछ मंथ में कुछ जगह पे क्या होता है, इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, कई जगह बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है एंड देयर इज़ इनसफिशिएंट फूड, खाना कम पड़ जाता है। सम एनिमल्स बिकम इनएक्टिव
अब इस समय में क्या होता है, कुछ एनिमल्स हो जाते हैं इनएक्टिव और एंटर इन देयर रेस्टिंग स्टेज, और ऐसी जगह हो जाते हैं मतलब एकदम रेस्टिंग स्टेज में आ जाते हैं जहाँ वो रेस्ट करते हैं, बस सोते रहते हैं। दिस इनएक्टिव और रेस्टिंग स्टेज विच एनिमल्स एंटर, जिसमें एनिमल एंटर करते हैं ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स में, इसे हम हाइबरनेशन कहते हैं। बियर्स, स्नेल, स्क्वायरल्स कुछ एग्जाम्पल हैं हाइबरनेशन के, हाइबरनेटिंग एनिमल्स के। दीज एनिमल्स हाइबरनेट इन केव्स, ठीक है, अपने गुफाओं में जाएंगे, सो जाएंगे, है ना, अंडरग्राउंड हो जाते हैं ब्यूरोज में, अपने जो उनका बिल होता है बेसिकली, है ना, जिस कहते हैं चूहा अपने बिल में छिप किया जाके गड्ढे के अंदर। ऐसे हाइबरनेटिंग एनिमल्स ईट एंड स्टोर कर लेते हैं प्लेंटी ऑफ फूड को इन द बॉडी, अपनी बॉडी के इन द फॉर्म ऑफ फैट और ड्यूरिंग द समर मंथ, और फिर विंटर में बाहर ही नहीं आते। दे डू नॉट ईट फूड ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में खाना ही नहीं खाते। दे यूज़ द स्टोर्ड अप फैट इन देयर बॉडी एज फूड ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विंटर में इनका काम ऐसे ही चलता रहता है। Assertivation, in some regions such as desert, it is extremely hot during the summer. बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो many animals cannot tolerate this heat and they enter in a deep sleep like state. वो एकदम सो जाते हैं, ऐसे state में चले जाते हैं। The sleep like state which animals enter during summer, उसको हम assertivation बोलते हैं, ठीक है। Earthworms, frogs and toads are examples animals के जो assertivation में जाते हैं during summer, गर्मियों के मौसम में। These animals return to their normal state when the climate becomes suitable. तब वापस आते हैं अपनी स्टेट में जब क्लाइमेट सुटेबल हो जाता है। That's all in this video. होता है वीडियो हमारा फिनिश, चैप्टर हो गया हमारा खत्म। अब देखो लगभग रफली तुम्हें आधा घंटा लगेगा, आधा घंटे में तुम चैप्टर को आराम से देख सकते हो, तो दो तीन बार देख लेना। जैसे एक बार देख लिया, फिर दो चार दिन बाद फिर देख लिया, फिर दो चार दिन बाद देख लिया, तुम्हें आधा चैप्टर तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।